तो हम बात कर रहे हैं धरती पर मौजूद अलग अलग सुगंध और उनके हम पर पड़ने वाले असर के बारे में। सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास भी करवाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि घर से अगर नकारात्मक ऊर्जा को आप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए किस सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए। सुगंध हर पूजा उपासना में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी चीज जिसका चलन आदि काल से किया जा रहा है। सुगंध के प्रयोग से तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ रहा है तो भी सुगंध के जरिए उन्हें दूर कर सकते हैं। व्यक्ति का अगर मन खराब है और घर के अंदर जब हम किसी प्रकार की खुशबू वाली कोई चीज जलाते हैं तो आप निश्चित समझिए कि मन एकदम से शांत होने लगता है। और हम इसमें अगर इत्र भगवान को चढ़ा देते हैं, गंध का अभिप्राय चंदन कुमकुम आदि का भी बताया गया, उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम सुगंध ही कहते हैं। आयुर्वेद में भी एक प्रकार से सुगंध की चिकित्सा है और जिसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की खुशबुओं से आनंदित और आह्लादित होते हुए अनुभव किया जाता है। सुगंध के प्रयोग से दूर होगी नकारात्मकता। घर में सुबह और शाम को लोबान जलाएं। लोबान को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर पूरे घर में घुमाएं। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो घर के कोने में होगी सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इससे आपके जीवन की बगिया महकने लगेगी और आपकी जिंदगी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी।